नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है टाइल्स और मार्बल की शॉप। आप अपनी टाइल्स और मार्बल की शॉप खोलने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको वास्तु के अनुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मेन काम मार्बल का करने जा रहे हैं और टाइल्स के लिए आप एक छोटा डिस्प्ले स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस प्रकार से सेटअप करना चाहिए। जिस सेटअप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग, यानी उस प्लॉट के नॉर्थ में भी सड़क लगती है और साउथ में गली लगती है, रास्ता लगता है। ऐसी जगह में वास्तु के अनुसार सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक हॉल बनाना है और बाकी का ओपन एरिया रखना है, तो वो वास्तु के अनुसार कैसे होना चाहिए। आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और आपका प्लॉट साइज में बहुत बड़ा है और आप अपने फ्रंट के भाग में टाइल्स का शोरूम खोलने जा रहे हैं और बैक साइड में आप मार्बल का काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब भी कोई भी व्यक्ति नॉर्थ के भाग में बिल्डिंग बना देता है और साउथ के भाग को खुला खाली रख लेता है, उसके यहाँ पैसे से संबंधित दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। जब भी आपको अपने शोरूम में अपने टाइल्स और मार्बल के लिए जो परचेजिंग करनी है, उसके लिए पैसा आपको बार बार मार्केट से हाथ उधारा लेना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए मैं आज आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप नया टाइल्स का शोरूम खोलने जा रहे हैं और साथ में मार्बल का काम करने जा रहे हैं, मैं नॉर्थ फेसिंग पर दो तरीके से वीडियो बनाऊँगा। एक जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और दूसरी वीडियो, दूसरा सेटअप मैं आपको इसी के अंदर किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी जानकारी अगली वीडियो में जरूर दूंगा। सबसे पहले तो जो आप टाइल्स और मार्बल का काम कर रहे हैं, वो जगह आपकी रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। जो आपका बाहर का एरिया है वो हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपके यहाँ बाहर के एरिया में नाला बना हुआ है या नाली बनी हुई है, तो आपने उस नाली की अच्छे तरीके से सफाई करानी है और उस नाली को कवर करना है, ढकना है। आपने अपना जो मेन गेट लगाना है, क्योंकि आपका मार्बल का काम है तो आपके यहाँ मेन गेट लगाया जाता है, और मेन गेट जो लगाना है वो मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाना है, क्योंकि प्लॉट की जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो ज़्यादा है। ऐसे में मेन गेट आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में आ जाएगा। आपका काम मार्बल और टाइल्स का है, मार्बल के काम में हमेशा ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने यहाँ पर सबमर्सिबल लगाना चाहते हैं या पानी का टैंक बनाना चाहते हैं, तो वो आपने वास्तु के अनुसार कहाँ बनाना है। सबमर्सिबल लगाना है तो आप अपने गेट से एंट्री करके ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर सबमर्सिबल लगा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी सबमर्सिबल लगा सकते हैं। पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो उसके लिए भी आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर भी पानी का टैंक बना सकते हैं। दूसरी ऑप्शन में आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पर पानी के टैंक के साथ में एक ऊपर होदी नहीं बनानी है। कई बार होता क्या है कि पानी भरने के लिए जो पत्थर पर, जो मार्बल पर पानी डालकर उसकी शेड दिखाई जाती है, जो उसकी क्वालिटी दिखाई जाती है, उसके लिए एक अलग से होदी बना दी जाती है। वो होदी आपने यहाँ पर नॉर्थ में या ईस्ट के भाग में नहीं बनानी है। अगर आपको होदी की रिक्वायरमेंट है तो वो छोटी होदी आप जमीन के अंदर नॉर्थ के भाग में या ईस्ट के भाग में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरे गेट के बारे में, क्योंकि आपके साउथ के भाग में भी गली लगती है। आपने जो दूसरा गेट बनाना है, जो आपका नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की ओर गेट लगा हुआ है, इस गेट की चौड़ाई से छोटा गेट आपने साउथ की दीवार पर साउथ ईस्ट कोने में लगाना है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका फ्रंट का मेन गेट है, इस गेट की चौड़ाई मान लीजिए आपने 12 फीट रखी है, तो साउथ साइड का जो गेट है वो आपका 10 फीट या 11 फीट का ही होना चाहिए। आपने नॉर्थ के गेट से साउथ का गेट छोटा बनाना है। आपने अपने यहाँ पर टाइल्स का शोरूम कहाँ बनाना है, टाइल्स की डिस्प्ले के लिए हॉल
कहाँ बनाना है। टाइल्स की डिस्प्ले के लिए जो आपने हॉल बनाना है वो आपने साउथ के भाग में, आपने एक हॉल बनाना है और जो गेट आपने साउथ ईस्ट के भाग में लगाया है उस गेट से आपका एक पार्टीशन यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हॉल बन जाएगा और ये आपका यहाँ से कंप्लीट ओपन एरिया रहेगा। लेंटर तो इसके ऊपर भी आएगा लेकिन नीचे से ओपन रहेगा। आप लेंटर डालते हैं तो यहाँ पे लेंटर डाल सकते हैं और आप शेड डालना चाहें तो यहाँ पर शेड भी डाल सकते हैं। शेड डालते हुए आपने ध्यान रखना है शेड की जो ढाल है आपने साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर ही करनी है और शेड के लिए जो आप मेट्रो शीट लगाएंगे उसका जो कलर होना चाहिए वो रेड ऑक्साइड होना चाहिए, यानी ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है वो रेड ऑक्साइड होना चाहिए और जो नीचे का हिस्सा है वो वाइट होना चाहिए, यानी सीलिंग का हिस्सा वाइट और ऊपर टॉप का हिस्सा रेड ऑक्साइड होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हॉल के अंदर जाने का रास्ता आपने कहाँ से बनाना है, यानी जो गेट लगाना है वो कहाँ लगाना है। एक गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर बनाना है, दूसरा गेट आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनाना है। आपके यहाँ टाइल्स के लिए कसेटी लगाई जाती है, वो कसेटी आपने कहाँ लगानी है, क्योंकि कसेटी वजन में बहुत भारी होती है और उसके पल्ले पर आगे और पीछे दोनों तरफ टाइल्स की डिस्प्ले होती है, वो आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक इस भाग में आपने कसेटी लगानी है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप कसेटी यहाँ लगाएंगे तो कसेटी के जो नीचे का फर्श है वो लगभग हॉल के फर्श के लेवल से 4 इंच ऊंचा होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ जो टाइल्स की डिस्प्ले लगाई जाती है यानी जो क्लाइंट आता है उसके लिए एक टेपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसके ऊपर टाइल्स की डिस्प्ले क्लाइंट को दिखाई जाती है, वो आपने कहाँ बनानी है। वो आपने इस तरीके से यानी साउथ से नॉर्थ की ओर लंबे पोर्शन बनाना है और उसमें दो पार्ट बन जाएंगे, एक टेपर आपकी ईस्ट की ओर हो जाएगी, दूसरी टेपर आपकी वेस्ट की ओर हो जाएगी। और जो नीचे का भाग है इस भाग में आपकी जो टाइल्स के सैंपल होते हैं उनकी अपनी स्टोरेज बन जाएगी। ऐसे ही आपने दूसरी डिस्प्ले यहाँ पर बनानी है और तीसरी डिस्प्ले आपने यहाँ पर बनानी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनर की सीटिंग आपने कहाँ बनानी है। ऑनर की सीटिंग आपने साउथ वेस्ट में वेस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर आपने ऑनर की सीटिंग बनानी है, ये ऑनर का काउंटर बन जाएगा और यहाँ पर विजिटर आकर बैठ जाएगा। कैश के लिए आपने कैश बॉक्स कहाँ बनाना है, कैश बॉक्स ऑनर के राइट हैंड पर ड्रॉर होनी चाहिए और एक ड्रॉर आपने काउंटर के इस पार्ट में बनानी है जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगी, क्योंकि आपका टाइल्स और मार्बल का काम है, आपके यहाँ पेमेंट मोटी आती है। जब पेमेंट आप कस्टमर से लेते हैं तो वो पेमेंट आपने इस ड्रॉर में रखनी है, कस्टमर के जाने के बाद जब पैकेट बन जाता है वो पैकेट आपने यहाँ से हटाकर आपने इसमें रखनी है जो ड्रॉर आपकी नॉर्थ की ओर ओपन होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर अकाउंटेंट की सीटिंग कहाँ करनी है। अकाउंटेंट की सीटिंग आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर अकाउंटेंट की सीटिंग करनी है, यहाँ पर अकाउंटेंट बैठ जाएगा और उसके नॉर्थ वेस्ट के भाग में प्रिंटर आ जाएगा और सामने उसका अपना कंप्यूटर आ जाएगा। आपके यहाँ जो स्टाफ के मेंबर है उनके बैठने की जो सीटिंग है वो आपने कहाँ करनी है। स्टाफ के बैठने की सीटिंग आपने यहाँ पर करनी है, यहाँ पर आपके स्टाफ बैठ जाएंगे और यहाँ पर आपका विजिटर कोई आता है तो वो विजिटर यहाँ पर बैठ जाएगा। इसी के साथ आपने अपने यहाँ पर सोफ़ा रखना है, कस्टमर के बैठने के लिए सोफ़ा रखना है तो वो सोफ़ा आप यहाँ पर नॉर्थ वॉल के साथ भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर मंदिर
कहाँ लगाना है। आपने अपने यहाँ पर मंदिर जो लगाना है वो मंदिर ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मंदिर लगाएं। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आप ईस्ट की दीवार के साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में भी रख सकते हैं और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में भी पीने का पानी रख सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर पेंट्री बनानी है तो पेंट्री आप अपने यहाँ पर साउथ के भाग में साउथ साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर पेंट्री बनानी है और पेंट्री का डोर यहाँ से हो जाएगा। जो बर्नर रखना है वो बर्नर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर टॉयलेट कहाँ बनानी है। टॉयलेट आपने हॉल के नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने टॉयलेट बनानी है। टॉयलेट का डोर आपका यहाँ आ जाएगा और टॉयलेट शीट पोर्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि नॉर्थ की ओर फेस होगा। वॉश बेसिन आपने कहाँ लगाना है? वॉश बेसिन आपका ईस्ट वॉल के साथ आ जाएगा। टॉयलेट के अंदर आपने शीट वॉश बेसिन और वॉल टाइल्स जो लगानी है वो वाइट कलर के इस्तेमाल करनी है। सेकंड ऑप्शन में जो आप ले सकते हैं वाइट प्लस ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका हॉल है और जो आपका ओपन एरिया है, ओपन एरिए से आपका हॉल लगभग 6 इंच से 1 फिट के करीब ऊंचा होना ही चाहिए और हॉल के फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आनी ही चाहिए। ऐसे जो आपका ओपन एरिया है, ओपन एरिया की भी फर्श की ढलान ओपन एरिया के साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी ही चाहिए। यदि आप ढलान ऐसे कर लेते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर अपने फर्श की ढलान करते हैं तो आपके यहाँ कभी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। आपके यहाँ कस्टमर हमेशा आता रहेगा, माल लेकर जाएगा और आपको प्रॉफिट भी देकर जरूर जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके यहाँ जो मार्बल की थपियाँ आती है उनकी स्टोरेज आपने कहाँ करनी है। सबसे पहले तो आपने जो मार्बल की थपियाँ हैं वो ओपन एरिया के साउथ वेस्ट के भाग में 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, जितना आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आप ब्लॉक लगाएं। उसके बाद जो आपने दूसरा ब्लॉक लगाना है वो आप इसी तरीके से लगाते हुए आएंगे। जितना स्पेस आपको अपने ब्लॉक्स के बीच में चाहिए वो स्पेस आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना है जब आप ब्लॉक ये लगाएंगे तो जो आपके हॉल का गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, इनके सामने कभी भी कोई भी मार्बल की थप्पी नहीं लगानी है। इनसे हटाकर आपने मार्बल की थप्पियाँ लगानी हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब आपका ये एरिया फुल हो जाता है तब आप ईस्ट के भाग में अपना माल लगा सकते हैं, मार्बल की थपियाँ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ईस्ट के भाग में जब आप मार्बल की थपियाँ लगाएंगे तो उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जो माल आपका कम आता है, हल्का होता है, उसको आप ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जो आपकी ईस्ट की दीवार है, ईस्ट की दीवार के साथ कम से कम 3 से 4 फीट का स्पेस आने जाने के लिए होना चाहिए। ईस्ट की दीवार के साथ माल को चिपकाकर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ पर आपने सबसे बाद में ही माल को लगाना है। जब आपका ये एरिया फुल हो जाए तब आप माल यहाँ पर लगा सकते हैं। पहले पीछे वाली थप्पी लगेगी, फिर उसके बाद आगे वाली, और फिर उससे के बाद और आगे। यहाँ पर ध्यान रखना है गेट से, जो आपका मेन गेट है, मेन गेट से लगभग 20 से 25 फीट लेंथ में, यानी अंदर की ओर का एरिया कंप्लीट ओपन होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी थप्पी नहीं होनी चाहिए, कोई भी माल रखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका काम मार्बल और टाइल्स का है। आप अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में जो बोर्ड लगाएंगे, जो होर्डिंग लगाएंगे, उसका कलर व्हाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक ही होना चाहिए।
जो कलर मैंने आपको बताए इन कलर का कॉम्बिनेशन कराकर आप अपना बोर्ड फ्रंट के भाग में लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका काम मार्बल का है, आपके यहाँ मार्बल उठाते हुए कई बार पीस टूट जाता है, उसके टुकड़े आपने कहाँ रखने हैं? इसके टुकड़े आपने अपने इस पोर्शन के साउथ वेस्ट के भाग में यानी टॉयलेट के साथ इस जोन में आपने इन टुकड़ों का ढेर रखना है। जो सेटअप मैंने आपको बताया, यदि आप इस तरीके से अपना सेटअप कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही रिजल्ट बेहतर मिलेंगे और आपकी जो वर्किंग है वो वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी। अगले प्रोग्राम में मैं आपको इसी प्लॉट के अंदर वास्तु के अनुसार दूसरा सेटअप किस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ्रंट के भाग में शोरूम भी आ जाए और आपका मार्बल का काम भी हो जाए, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।